हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी एंड टैक्स हेल्प विथ फरजंद अली। मैं फरजंद अली, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नया नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर है 10/2021 जो कि RCM से रिलेटेड है। कुछ आइटम RCM की लिस्ट में जोड़े गए हैं, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारी वीडियो देखने को मिले और आपको नई नई टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी एंड आल्सो प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि RCM क्या होता है, तो शॉर्ट कट में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो RCM का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जनरली हम जब कोई चीज परचेज करते हैं तो हम सेलर को टैक्स देते हैं, और जो सेलर या सप्लायर टैक्स जमा कराता है। लेकिन RCM में इसका उल्टा होता है। RCM में जो रिसीवर है वो टैक्स जमा कराता है खुद, और सप्लायर से वो चीज ले लेता है। तो इसमें ये देखिए लिखा है, जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इज लायबल टू पे GST, हाउएवर इन स्पेसिफाइड केसेस लाइक इम्पोर्ट्स एंड अदर नोटिफाइड सप्लाईज द लायबिलिटी मे बी कास्ट ऑन द रिसिपेंट अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्सेस ऑन द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ सप्लाई। मतलब यह है कि कुछ नोटिफाई किया हुआ है गवर्नमेंट ने GST में कि इन इन चीज़ों पर जो GST है वो जो रिसिपेंट है वो जमा कराएगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियोस प्रोवाइडेड इन द लॉ। फर्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई एंड नेचर ऑफ सप्लायर। दिस सिनेरियो इज कवर्ड बाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ द CGST, SGST, UTGST एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ द IGST एक्ट। सेकेंड सिनेरियो इज कवर्ड बाई सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ द CGST, SGST, UTGST एक्ट एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ द IGST एक्ट वेयर टैक्सेबल सप्लाईज एंड बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन इज कवर्ड। फ्रेंड्स, मैंने आपको शॉर्टकट में RCM के बारे में समझाया, तो आपको समझ आ गई होगी कि RCM क्या होता है। अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 जो कि आज ही
इश्यू हुआ है 30 सितंबर को। इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि RCM में कुछ आइटम को जोड़ा गया है जो कि 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल है। अब ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 10। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म बाय द सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2007 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance Department of Revenue notification number 4/2017 dated 28 June 2017 published in Gazette of India Extraordinary Part 2nd Section 3 Subsection 1 wide number GSR 676 dated 28 June 2007 namely। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 9 मतलब सेक्शन 9 की सब सेक्शन 3 के तहत ये काम किया है और जो काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन पर ऐसा काम किया है। तो ये एक नोटिफिकेशन नंबर 4 इशू किया था जो कि 28 जून 2017 में ये इशू किया था। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐड किए गए थे आइटम कि भाई ये आइटम्स जो हैं वो इसमें आएंगे। तो पहले हम चलिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 देखते हैं। यह है नोटिफिकेशन नंबर 4 जो कि 28 जून 2017 में इशू किया गया था। ये देखिए, ये टेबल है, ये सीरियल नंबर है और ये देखिए उसका टैरिफ आइटम डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे कैश्यू नट नॉट शेल्ड और पील्ड, तो इसमें क्या था कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं उनसे अगर कोई सामान खरीदता है तो वो टैक्स जमा खुद करेगा। कौन करेगा टैक्स? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे ही ये देखिए, ये इसका टैरिफ आइटम सब हेडिंग है और जैसे बीड़ी रैपर लीव्स टेंडू, तो इस केस में क्या है कि जो अगर रजिस्टर्ड पर्सन खरीदेगा तो वो खुद टैक्स जमा करेगा आरसीएम में। अब जैसे ये टबक्को लीव्स, तो इसमें क्या है एग्रीकल्चरिस्ट, तो सप्लायर कौन हो गया? एग्रीकल्चरिस्ट या सेलर। और परचेजर कौन होगा? एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो भी खरीदारी करेगा परचेस करेगा तो वो जमा करेगा जीएसटी आरसीएम के अंदर। जैसे ये देखिए सिल्क यार्न है, इस पर भी, तो एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वार्म कोकुंस फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, तो इसमें भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो इसको आरसीएम के तहत उसमें जीएसटी जमा कराएगा। ऐसी था सप्लाई ऑफ लॉटरी, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी, तो इसमें कौन होगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। तो ये लिस्ट थी। तो इसी में ही आगे जोड़ा गया है ये सीरियल नंबर 3 में, ये तो सीरियल नंबर 3 है। इस सीरियल नंबर 3 में ही एक नया सीरियल नंबर 3A इंसर्ट किया गया है। तो वही है, देखिए नोटिफिकेशन 10 में, ये देखिए सीरियल नंबर 3A
इंसर्ट किया गया है। तो अब हम देखते हैं इन द सेट नोटिफिकेशन इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 3, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वही सीरियल नंबर 3 के बाद, एंड द एंट्रीज रिलेटिंग देयर टू द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंड द एंट्री शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो 3A में ये इंसर्ट किया गया है, ये इनके HSN कोड है, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सर्टस फ्रूट नेमली ए ऑफ पेपरमिंट मैंथा पाइपेरिया, बी में है ऑफ अदर मिंट्स स्पिरिटमेंट ऑयल मैंथा इस पिकेटा वाटर मिंट ऑयल एक्स मैंथा एक्वेटिक हॉर्स मिंट ऑयल ना। तो इसमें क्या है, एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर इसको बेचता है और तो उसका टैक्स कौन जमा करेगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये चीजें जो इंसर्ट की गई है, ये ऐड की गई है, तो इसमें जो भी सेलर है या सप्लायर है उसको टैक्स जमा नहीं करना, बल्कि किसको जमा करना है, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर, तो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर से ये एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि RCM क्या होता है, और पहले सर्कुलर नोटिफिकेशन नंबर 4 जो 2017 में जारी किया गया था उसको भी मैंने दिखाया कि उसमें क्या क्या आइटम है और अब इसमें क्या क्या इंसर्ट किए गए हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिट होगा इससे, और आपको इस सर्कुलर की नॉलेज भी मिली होगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को देख करके लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड रिलेटिव वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस चीज़ की नॉलेज उनको मिल सके और वह इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।